अनुज उर्वशी के बीच पहले हुआ प्यार, फिर तकरार। अब क्या वापस दोनों के दिल जुड़ गए? आखिर इन दोनों का ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या नच का सेट बना एक्सेस के मिलन का मंच? जैसे कि हमने आपको थोड़े दिन पहले ही बताया था कि वाइल्ड कार्ड एंट्री से शो में दाखिल हुए विशाल और मधुरिमा जो एक्स कपल है, वही अब वो दोनों आ रहे हैं एक दूसरे के करीब। तो अब दूसरी तरफ एक और जोड़ी के बीच खिल रहे हैं प्यार वाले फूल। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उर्वशी और अनुज की। रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि उर्वशी और अनुज के बीच बढ़ रही है नजदीकियाँ। दोनों वाइल्ड कार्ड एंट्री में जब से शो में शामिल हुए हैं, तब से ही दोनों एक दूसरे के ज्यादा करीब आ रहे हैं। वैसे दोनों का ब्रेकअप तो म्यूचुअली हुआ था। दोनों काफी मैच्योरिटी से एक दूसरे से पेश आते थे और ब्रेकअप होने के बाद भी दोनों फ्रेंड जोन में रहते थे। नच बलिए सेट पर भी दोनों बाकी कपल्स की तरह ही थे, बट सूत्रों के मुताबिक दोनों अब पहले से कई ज्यादा वक्त साथ गुजार रहे हैं। हाल फिलहाल में जब उर्वशी के दोनों बेटे सागर और क्षितिज शो में गेस्ट बनकर आए थे, तब सागर और क्षितिज ने भी ये इच्छा जताई थी कि वो चाहते हैं उर्वशी और अनुज को पैचअप कर लेना चाहिए, दोनों साथ में काफी अच्छे लगते हैं। वहीं इस हफ्ते शो में सेलिब्रिटी जज बनकर आए संजय दत्त ने जब उर्वशी और अनुज की परफॉर्मेंस देखी और जब रवीना ने संजय दत्त को बताया कि वो एक्स कपल है, तो संजय दत्त भी हक्का बक्का रह गए और संजय ने भी सलाह दे दी उर्वशी और अनुज को, ब्रेकअप के बाद अगर 1% का भी चांस है तो फिर से नई शुरुआत कर लेनी चाहिए। तो देखते हैं अब उर्वशी और अनुज को ये नच का सफर कितनी दूर तक ले जाता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वाकई में उर्वशी और अनुज की नजदीकियां बढ़ रही है या ये भी शो में बने रहने के लिए टीआरपी का खेल है। नच बलिए की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहे टेली मसाला।